शिरडी में प्रकट हुए साईं, दीवार पर साईं की तस्वीर देखने का दावा, दीवार पर उभरा साईं बाबा का चेहरा, द्वारका माई मंदिर में प्रकट हुए साईं, भक्तों में साईं के दर्शन की लगी हो, द्वारिका माई मंदिर में भक्तों का आना लगातार जारी है, साईं के दर्शन के साथ भक्त खींच रहे हैं साईं की तस्वीर, लगातार फैलती जा रही है साईं के प्रकट होने की खबर, मंदिर में लगातार बढ़ रहा है साईं के भक्तों का हुजूम। जी हां, महाराष्ट्र के शिरडी की इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है। हर तरफ साईं के प्रकट होने की बात की जा रही है। जो भी भक्त यहां आ रहे हैं वो द्वारका माई मंदिर की दीवार पर प्रकट होने वाले साईं की तस्वीर देखना चाहते हैं, इसीलिए मंदिर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। साईं मंदिर परिसर में ही द्वारका माई मंदिर है। इस मंदिर की दीवार पर उभरी इस तस्वीर को देखिए। भक्तों का दावा है कि ये उभरी तस्वीर साईं की है, जो उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये जो प्रतिमा है ये 2012 में भी पहली बार दिखी थी और उस दिन से ये लगातार दिखती है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह होता है, जो मंदिर बंद हो जाता है, द्वारका माई जब बंद हो जाती है तब वो जो लाइट बंद होने के बाद कुछ लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से प्रतिमा दिखती है। ठीक है, ये चमत्कारी है, अगर लाइट के रिफ्लेक्शन हो या किसी भी चीज़ की वजह से अगर ऐसी प्रतिमा बनती है तो चमत्कारी है। नहीं, अभी के ये युग में बाबा ने ऐसा चमत्कार देना ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है। शताब्दी साल है, बाबा ने कुछ तो भी चमत्कार दिखाया है, भक्तों को भी सबको भी समझना चाहिए ये बाबा का कोई संदेशा है, इसके ऊपर सबने गौर करना चाहिए। अच्छी बुरी क्या का करने का है वो सोचना चाहिए। ये तो श्रद्धा का भाग है। ये बाबा का रिएक्शन, जो बाबा ने एक भक्ति, भक्तों के अंदर एक भक्ति और जगा दी है, बाबा ने जो दर्शन दिए, साक्षात दर्शन दिए, बाबा ने समाधि वर्ष के पूर्व सबसे पहले दर्शन दिए, बाबा ने भक्तों को एक प्रेम भरा संदेश दिया कि मैं शिरडी में आज भी मौजूद हूँ और भक्तों के दिलों में हूँ, हम भक्तों से दूर नहीं। बाबा ने जो कहा है शिरडी में कि शिरडी में मैं सदा जीवित हूँ, और बाबा ने वो परसों वाले दिन साबित कर दिया कि मैं शिरडी में हूँ। बाबा का जो चेहरा था, आकृति थी, इतनी सुंदर सी आकृति थी बाबा की, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था बाबा का। बाबा ने भक्तों के लिए एक प्रेम भरा संदेश दिया है कि मैं शिरडी में हूँ और आप सब लोगों के बीच हूँ। और बाबा का जो भक्तों का जो प्रेम था बाबा ने फिर दिखाया दोबारा। दो इससे पहले 2012 में भी बाबा ने दर्शन दिए थे, भक्तों के अंदर लगातार बाबा दर्शन दे रहे हैं और शिरडी में जो लगातार आ रहे हैं भक्त, वो बाबा की श्रद्धा बढ़ती चली जा रही है और बाबा का प्रेम जो है वो परसों वाले दिन बाबा ने फिर अपने भक्तों के लिए प्रेम दिखाया कि मैं शिरडी में हूँ, मुझे सदा जीवित मानो। जिस टाइम मैं घर पे था अचानक मुझे कॉल आया, कॉल आते ही मेरे को पता चला कि बाबा की मूर्ति इधर स्थापित हुई है, बाबा का चेहरा दिख रहा है। तो मैं अचानक घर से भाग के आया, इधर लाखों में पब्लिक खड़े हो गए थे, तो मैं आया सीधा बाबा की मूर्ति देखने लगा। बाबा ने साक्षात मुझे दर्शन दिए और मुझे इतनी खुशी हुई कि इतने साल से मैं शिरडी रह रहा हूँ, मुझे पहली बार बाबा ने दर्शन दिए, इतनी ऐसा अजूबा मैंने कहीं नहीं देखा जो मैंने परसों रात देखा। गुरुवार का दिन था, इतना बढ़िया लगा, बाबा ने मुझे अच्छे दर्शन दे दिए, बहुत खुश हुआ मैं। बाबा की प्रतिमा जो है वहाँ पर मैंने जो देखी वो बिल्कुल साफ तरीके से दिख रही थी और मेरे साथ में हजारों लोगों ने बाबा की वो प्रतिमा दिखी। मतलब बाबा का ये चमत्कार नहीं तो हमारे लिए साक्षात्कार था, क्योंकि बाबा की इस प्रकार से प्रतिमा दिखने को मिलना ये लगभग दूसरी बार हो रहा है। और जब बाबा थे तभी भी बाबा ने यहाँ पर पानी से दिए जलाए, इसलिए हमारा सभी साई भक्तों का यही मानना है, करोड़ों साई भक्तों का, कि बाबा आज भी यहाँ पर है और हमें साक्षात्कार देते हैं। और ये जो प्रतिमा दिखाई दी ये कब, लगभग 3 घंटे तक वहाँ पर बाबा की प्रतिमा हमें दिखाई दी। और बाबा के प्रतिमा का जो भाव था वो यही भाव था कि बाबा सभी साई भक्तों को एक आशीर्वाद दे रहे हैं, इस प्रकार से बाबा की प्रतिमा हमें वहाँ पर दिखाई देने को मिली। ये बाबा जी की हमारी आस्था है, जैसे हम सोचेंगे मन में वैसे ही हम बाबा जी दिखाई देंगे। हाँ जी, आपके मन में सच्ची श्रद्धा होगी तभी बाबा जी दिखाई देते हैं, और ऐसे जो ऐसे आ रहे हैं बस घूमेंगे फिरेंगे तो नहीं दर्शन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। साईं राम।
शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन के लिए हर रोज देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। बुधवार रात को ये अफवाह फैली कि मंदिर की एक दीवार पर साईं बाबा का चेहरा उभर आया है। इसके बाद से श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे। कुछ श्रद्धालु तो भावुक होकर रोने लगे। ताजा समाचार ये है कि मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु जमा हैं। श्रद्धालु दीवार पर उभरी इस आकृति के दर्शन के साथ ही तस्वीरें और वीडियो भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ साईं बाबा की मूर्ति सोने के सिंहासन पर स्थापित है। हमारे संस्थान के द्वारा द्वारका माई में और अपने संस्थान परिसर में सब जगह CCTV लगे हुए हैं, और जैसे बताया गया है कि किसी भक्त ने हमारे संरक्षण वाले लोगों के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया है, तो हम लोग उसका CCTV फुटेज चेक करेंगे और इसके बारे में जो हमारे DYSP है वो उसकी पूरी चौकसी करके हमें रिपोर्ट देंगे। और ये बाबा के और भक्तों का ये भावना का विषय है, इसके ऊपर मेरा भाष्य करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा का विषय है, द्वारका माई की सुरक्षा का विषय है, और ये जो सारे विषय है इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक्शंस लिए हुए हैं। बताया जाता है कि 1838 में महाराष्ट्र के पथरी में साईं बाबा का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग भगवान का अवतार मानते थे। कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी पहुंचे और कई साल तक तप किया। उनके चमत्कारों की वजह से लोग उन्हें संत मानने लगे। लोगों का मानना है कि आज जो दीवार पर आकृति उभरी है वो भी साईं की है, और ये साईं का ही चमत्कार है।